Good morning, students. The, now to the turn of the question number 13. Describe the divisions in French society before the French Revolution. French Revolution के पहले फ्रेंच की जो सोसाइटी थी उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है थोड़ा. द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट्स. फ्रांस का समाज तीन स्टेट्स में बटा हुआ था. द फर्स्ट स्टेट कंप्राइजेस ऑफ द क्लर्जी व्हिच वाज अ ग्रुप ऑफ द पर्सन इन्वेस्टेड स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च. इतना आपको लिख लेना है. सेकंड स्टेट, दिस स्टेट कंप्राइज ऑफ द नोबिलिटी. इसमें बहुत ही नोबिलिटी टाइप के लोग थे व्हिच वर एरिस्टोक्रेट्स, बहुत ही रईस और लैंडलॉर्ड्स इसमें आते थे. ये आपको लिख लेना है. और ये दोनों तरीके के दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. इनसे कोई टैक्स नहीं पड़ता था और इनको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. सेकंड स्टेट के लोगों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता. थर्ड स्टेट कंप्राइज द बिग बिजनेसेस. में बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, सिटी वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पीपल लाइक द टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, राइटर्स, लेस लेबर सर्वेंट्स, ऑल सच पीपल हैड नो पॉलिटिकल राइट्स. इनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था और दे हैड टू पे मैनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस. इनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे. और अब मैंने आपको पहले बताया जैसे टिथेस और टैलीस, ये टैक्स इनको देने पड़ते थे. इट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन आप नोटबुक पे लिख लीजिएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेनिस कोर्ट. टेनिस कोर्ट का महत्व क्या है इन फ्रेंच रिवोल्यूशन में. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट. ऐसा हुआ कि थर्ड स्टेट के जितने भी प्रतिनिधि थे व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन. उन्होंने अपने को स्पोक्समैन एक प्रवक्ता या वक्ता के रूप में स्थापित किया फॉर द होल फ्रेंच नेशन. दे असेंबल्ड इन द हॉल, एक हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सैली, वर्सैली की जमीन पर ऑन 20 जून को वो लोग इकट्ठा हुए. 20 जून 1718 और दे डिक्लेयर देमसेल्व एज ए नेशन. उन्होंने अपने को एक नेशनल असेंबली के रूप में क्लियर किया. दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्पर्स. और उन्होंने यह भी डिसाइड किया जब तक फ्रांस के लिए एक संविधान की संरचना नहीं हो जाती तब तक वो कहीं जाने वाले नहीं है. पावर ऑफ द मोनार्क. तो इट इज ऑल अबाउट द टुडे. इतना ही आप लिख लीजिएगा.